इंसान चाहे किसी भी उम्र का हो पर वो हर समय चाहता है कि वो खूबसूरत और जवान दिखे, और बढ़ती उम्र के साथ वो यही चाहता है कि वो बूढ़ा ना हो बल्कि जवान ही रहे। खैर ये तो मुमकिन नहीं है, पर गाहे बगाहे कई अनजाने चीज़ों के साथ साथ कई ऐसे ड्रिंक्स भी शामिल हैं जिसके कारण उसकी त्वचा जल्दी बूढ़े होने लगती है, वो अपनी नमी खोने लगती है। आज की वीडियो में इसी चार ड्रिंक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आप परहेज करके खुद को जल्दी बूढ़ा होने से रोक सकते हैं। छोड़ना नहीं है पर कम करना है, और उसके क्या क्या नुकसान हैं, तो किस तरह से उससे बच सकते हैं और उसके बजाय आप कुछ और ले सकते हैं जो आपको फ़ायदा दे। शरीर त्वचा और जवान तभी रहती है जब बॉडी में हाइड्रेशन सही हो, यानी पानी की मात्रा सही हो। ऐसा बोला जाता है कि बॉडी में 70% जल की होती है वैसे, यानी कि बॉडी में जितनी पानी होगी त्वचा उतनी ही नमी रखेगा और त्वचा उतनी ही जवान दिखेगी, उतनी सुंदर, उतनी कोमल और उतनी ही चमकदार दिखेगी। तो गाहे बगाहे कई लोग ऐसे ड्रिंक का सेवन करते हैं जिनसे उन्हें लगता है कि उनके बॉडी में पानी तो जा रहा है पर एक्चुअल में वो पानी को बॉडी से सोखता है और बॉडी को नुकसान करता है, यानी कि जो बॉडी में पानी रहती है उससे भी निकाल देता है। इससे हमारी त्वचा जल्दी बूढ़ी होने लगती है, अपनी चमक खोने लगती है। कई बार डाइटिशियन भी ये सलाह देते हैं कि अब इस तरह के ड्रिंक्स का सेवन करें जबकि उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा पीना नुकसानदायक है। ऐसे क्या क्या ड्रिंक्स है, वो है चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा और अल्कोहल। वैसे देखा जाए तो अगर आप इन चारों चीज़ों को, सॉफ्ट ड्रिंक्स छोड़ के, सभी को अगर सीमित मात्रा में लेंगे तो ये आपको बेनिफिट ही रहता है, नुकसान फिर भी कम करता है। पर अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे या फिर रोज़ रेगुलर तौर पे लेते हैं तब भी आपको नुकसान करता है। कई लोग तो चाय के शौकीन होते हैं, सुबह उठते साथ चाय पीते हैं जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। कई बार ब्यूटिशियन और डाइटिशियन भी आपको इस तरह के ड्रिंक्स पीने की सलाह देते हैं पर ये नुकसान करता है। अगर बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स की तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिर्फ बियर ऐसा चीज़ है जो आपको फ़ायदा दे सकता है अगर सीमित मात्रा में लिया जाए तो, बाकी सभी चीज़ें आपको नुकसान करती हैं। एक्चुअल में जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अगर इन चारों सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेने से हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो संक्रिय होती जाती है, यानी कि सिकुड़ती जाती है। इसके कारण ब्लड सही से प्रवाहित नहीं हो पाता है और हमारी त्वचा भी रूखापन आ जाता है। हमारी जो ब्लड आर्टरीज है और जो त्वचा है उसके बीच में ब्लड कैपिलरीज रहती है। कैपिलरीज बहुत ही ज़रूरी है हमारी त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए। अगर बात करें कैपिलरीज के कामों की तो शरीर की आर्टरीज और त्वचा के बीच में कैपिलरीज काम करती है। दरअसल यहाँ पानी, ऑक्सीजन और ब्लड शरीर के कुछ कुछ हिस्सों में पहुँचाने का काम करती है। अगर ये छोटी छोटी जाती है तो ये सही से ब्लड प्रभावित नहीं कर पाती है, जिसके कारण स्किन नमी तो खोता ही है पर कई सारी बीमारियों से बिगड़ जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी कैपिलरीज को स्वस्थ रखें। दरअसल ये कैपिलरीज ही है जो हमारी बॉडी में नमी को बनाए रखता है, यानी कि बॉडी को हाइड्रेट रखता है। अगर हम इन चारों चीज़ों का सेवन करते हैं, चारों में से किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो ये हमारे ब्लड में कैपिलरीज को कम करता जाता है, उसे संकुचित कर देता है, से सही तरीके से ऑक्सीजन, पोषक तत्व, पानी आदि की सप्लाई नहीं कर पाता और इसके कारण बॉडी में रूखापन आ जाता है। बॉडी अपनी नमी खोने लगता है, बॉडी अपनी जवान खोने लगता है और भी बूढ़ा होने लगता है। ये चारों चीज़ें ऐसे ही है जो हमारी बॉडी से पानी को सोख लेती है, यानी पानी को कम करती है। तो ऐसे में इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जब कभी भी पिए तो पेट खाली ना हो, कम से कम पानी पिए उसके बाद ही इन चीज़ों का सेवन करें। जैसे कि कोई लोग सुबह उठते साथ चाय का सेवन करते हैं तो इनके लिए डिहाइड्रेशन का काम करता है, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है, बॉडी में इससे हाइड्रेशन कम होने लगता है, इससे गैस, कब्ज आदि बीमारियाँ घेर लेती है और धीरे धीरे ये आपको आर्थराइटिस का पेशेंट बना देता है। खैर अगर इनमें से कोई भी चीज़ का सेवन करना हो तो ये हमेशा याद रखें कि पहले एक गिलास पानी पी लें और उसके बाद पिए। इससे ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा बल्कि नुकसान कम होता है, यानी कि नुकसान तो होगा पर त्वचा को नुकसान कम होगा। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पर आप इसी चीज़ ट्रिक को जमाते रहेंगे तो डेफिनेटली नुकसान ज़्यादा होगा, यानी आप पिए पर एक लिमिट में, ऐसा नहीं हो कि कोई चीज़ को शौक बना ले और दिन भर। अगर बात करें कि इनकी क्या आइडियल लिमिट है तो चाय दिन में 1 से 2 कप काफ़ी है, कॉफ़ी 1 और सोडा सहित सॉफ्ट ड्रिंक्स तो पीना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व जैसे कुछ भी चीज़ नहीं होती है। जैसे कि चाय में कैफीन होता है, नुकसान तो करता है पर कुछ फ़ायदा भी देता है, कॉफ़ी भी कुछ फ़ायदा पहुँचाता है बट सॉफ्ट ड्रिंक्स कोई फ़ायदा नहीं देता सिवाय बियर को छोड़ के, वो भी लिमिट मात्रा में। और अल्कोहल भी आपको फ़ायदा देता है किसी हद तक, लेकिन इन सभी चीज़ों को पीने का एक लिमिट होता है, एक तरीका होता है और काफ़ी कम मात्रा में पिया जाए तो फ़ायदा देता है, अदरवाइज़ नुकसान करता है। आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए
इन चीज़ों को छोड़कर ग्रीन टी, फ्रूट का जूस, या फिर अगर आप सब्ज़ी भी है जैसे कोई भी सब्ज़ी हो तो उसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं। और पानी तो कम से कम बहुत ही ज़्यादा पिए, यानी कि जितने पी सकते हैं, क्योंकि पसीने या फिर पेशाब या फिर किसी भी थ्रू से हमारे बॉडी से पानी अक्सर निकलते रहता है। तो ज़रूरी है कि बॉडी को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए उतने ही पानी का सेवन हम करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो ही हम फ़ायदा देगा और बॉडी और त्वचा भी थोड़ी अच्छी लगेगी और जवान रहेगी, ना कि बूढ़ी या फिर रूखापन जैसा रहेगा।